iPhone 8 Plus versus iPhone SE 2020 डिटेल कैमरा कंपैरिजन इन 2024, क्योंकि दोनों फोन पाकिस्तान में हमें ऑलमोस्ट नॉन पीटी एंड पीटीए प्रो सेम प्राइस में देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों के कैमरास में जमीन आसमान का फर्क है। 2024 में दोनों में से किसके पोर्ट्रेट ज्यादा अच्छे हैं, चाहे सिंगल कैमरा आईफोन SE के बैक पे, लेकिन आईफोन 8 प्लस के डुअल कैमरा को भी अच्छे से मार देता है। तो आ जाइए इनके कैमरा सैंपल की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि SE ने अच्छे से कवर किया, लेकिन 8 प्लस में बिल्कुल ही बेकार पोर्ट्रेट क्लिक किया। वहीं पर नेक्स्ट पोर्ट्रेट मैंने क्लिक किया था दोनों फोन में, यहाँ पे दोनों ने ऑलमोस्ट अच्छा काम किया है, सेम रिजल्ट देखने को मिले हैं। वहीं पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि 8 प्लस ने ब्लाउन आउट कर दिया, अपना HDR अच्छे से काम नहीं कर रहा था 8 प्लस का, लेकिन SE का पावरफुल HDR अपने पावरफुल प्रोसेसर की वजह से बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके बाद मैंने डिफरेंट लाइट कंडीशन में पिक्चर क्लिक किए तो SE तो हर बार ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन 8 प्लस ने बहुत स्ट्रगल किया अपने डायनेमिक रेंज को लेके, और जब डायनेमिक रेंज खराब हो जाती थी तो फेस के ऊपर डिटेल भी मुझे हल्की सी कम देखने को मिली है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं SE ने कलर भी बहुत अच्छे लिए, लेकिन 8 प्लस के कलर भी डल साइड पर जा रहे थे और इस तरह से बिल्कुल बैक साइड को ब्लाउन आउट करी जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लिक की मैंने, लेकिन चंद ही पिक्चर ऐसी होती थी जो कि मुझे 8 प्लस की अच्छी देखने को मिलती थी, और एज डिटेक्शन दोनों मोबाइल की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली है, तो एज डिटेक्शन का इतना मसला नहीं आने वाला। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल फोटोग्राफी की। नॉर्मल फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे मुझे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिले आईफोन 8 प्लस का भी। यहाँ पे HDR अच्छा काम कर रहा था और आईफोन 8 प्लस के जूम भी हमें हल्की सी ज्यादा देखने को मिलती है। दोनों के कलर साइंस भी मुझे थोड़ी सी सेम देखने को मिल रही थी, लेकिन आईफोन SE की कलर साइंस थोड़ी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो थोड़े से हल्के से बूस्टेड कलर ले रहा था। लेकिन अगर आप आईफोन 8 प्लस की बात करते तो वो थोड़े से नेचुरल कलर कवर कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें वो थोड़े से डिम देखने को मिलते थे। तो अगर आपने कुछ इस तरह का लेना जिसमें आपको थोड़ी आई कैची पिक्चर चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए आईफोन SE बेस्ट होने वाला है। उसके बाद मैंने इन दोनों के साथ क्लोजअप बहुत ज्यादा क्लिक किए और क्लोजअप में क्लियर विनर आईफोन SE 2020 है। अगर आप आईफोन 8 प्लस की बात करते हो तो ये जहां पे थोड़ा सा शेडो एरिया आ जाता है ना, उस जगह पे अपनी पिक्चर को डल कर जाता है, लेकिन आईफोन SE 2020 बहुत अच्छे से मैनेज करता है। डायनेमिक रेंज भी आईफोन SE 2020 की मुझे लाइटली इंप्रूव देखने को मिली है। सिंपल सी फंडा है यार, अगर आपने फोटोग्राफी के लिए फोन लेना है तो डेफिनेटली 2024 में आपको आईफोन SE 2020 ही कंसीडर करना चाहिए, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होने वाली है आपके लिए। बाकी मैंने अपनी तसल्ली के लिए बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट क्लिक की है, बहुत ज्यादा फोटोग्राफी की और बहुत ज्यादा क्लोजअप लिया। मुझे हर जगह पे आईफोन SE 2020 ने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए, आईफोन 8 प्लस के रिजल्ट मुझे इतने पसंद नहीं आए। अब आ जाइए वीडियोग्राफी की तरफ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मोबाइल में 4K 60fps के ऊपर हो रही है, जहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह की देखने को मिलती हैं। तो एक बार मैं आपको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव डिटेल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईफोन SE क्लियर विनर है, ज़्यादा अच्छे से डिटेल मैनेज कर रहा है। और मैं एक बार मैं आपको इसका डायनेमिक रेंज दिखाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे सूरज है, तो आपको डायनेमिक रेंज का भी आइडिया हो जाएगा कि SE ही ज़्यादा बेहतर ले रहा है। और मैं एक बार चल के आपको स्टेबलाइजेशन भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि दोनों फोन में से स्टेबल कौन किसकी वीडियो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे आईफोन SE की वीडियो लाइटली ज़्यादा स्टेबल देखने को मिल रही है। और एक बार मैं आपको इनके फ्रेम शिफ्ट भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने लीज़ पे फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, लीज पे फोकस किया, तो फोकस ऑलमोस्ट दोनों फोन का मुझे एटलीस्ट सेम ही देखने को मिलता है। तो 4K के ऊपर डेफिनेटली विनर तो आईफोन SE होने वाला है। अगर 8 प्लस की बात करते हो तो 2024 में डल फोटोज किसी को भी पसंद नहीं आती, ना ही वीडियो है ना ही फोटोज। एक बार मैं आपको इनके 1080p के सैंपल भी जरूर दिखाना चाहूंगा। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मोबाइल में 1080p 60fps के ऊपर हो रही है, जहाँ पे इस टाइम मैं चल रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन की 1080p 60fps के ऊपर लाइटली इंप्रूव हो जाती है। तो ये हमें थोड़ी सी अच्छी बात देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं एक बार ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल भी आपको दिखा देता हूँ कि 1080p के ऊपर HDR दोनों फ़ोन का अच्छा देखने को मिल रहा है। 8 प्लस भी यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है, बैक साइड से ठीक लाइट को कवर कर रहा है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी दोनों फ़ोन के माइक से ही हो रही है। तो नॉइस कैंसिल किस तरह की कर रहे हैं ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। और एक बार मैं इनके आपको फोकस भी ज़रूर दिखा देता हूँ कि 1080p के ऊपर दोनों फ़ोन हमें किस तरह का फोकस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लीव्स के ऊपर फोकस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SE थोड़ा सा 8 प्लस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे दोनों फोन फोकस कर गए हैं, बैक साइड पे शिफ्ट किया, लीज पे फोकस किया, तो ऑलमोस्ट फोकस दोनों फोन का सेम ही देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्श लाइट आ रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और एक बार मैं आपको वो पीछे मूव करके सूरज भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
फ्रंट कैमरा से दोनों मोबाइल ही 1080p 30fps के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों मोबाइलों की ही डायनेमिक रेंज बिल्कुल बेकार है। आप देख सकते हैं कि बैक साइड से बहुत बुरी लाइट आ रही है, लेकिन फेस के ऊपर जो हल्के से अच्छे कलर हैं वो मुझे ऐसे ही कवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। 8+ बिल्कुल नेचुरल ट्यून की साइड पर, लेकिन फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो मैं आपको दोनों फ़ोन ही रिकमेंड नहीं करने वाला। दोनों फ़ोन ही आपको बहुत बुरा सा रिजल्ट देते हैं फ्रंट कैमरा से, क्योंकि एक तो क्लोजअप बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ डायनेमिक रेंज बहुत बुरी है और स्टेबलाइजेशन भी कोई इतनी खास देखने को नहीं मिलती। तो फ्रंट कैमरा से तो कोई ज़्यादा उम्मीदें हम नहीं रख सकते दोनों फ़ोन के। प्लस में हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब हम पोर्ट्रेट को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ बैक कैमरे से पोर्ट्रेट ले सकते हैं, फ्रंट कैमरे का ऑप्शन ही चला जाता है। तो दोनों के डिटेल कैमरा सैंपल्स आपने देखे, क्लियर सी बात है कि आईफोन SE डेफिनेटली विनर है। चाहे इसका साइज छोटा है, कैमरा सिंगल है, लेकिन इसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा प्रोसेसर होने की वजह से पोर्ट्रेट आप इसे बहुत अच्छे कवर कर सकते हो और उसके साथ साथ इसमें हमें वीडियोग्राफी में कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। 8+ किसी भी सूरत इस फोन से कैमराज में नहीं जीत सकता। और SE के फ्रंट में हमें एक एडिशनल फीचर देखने को मिलता है कि इसके फ्रंट से आप पोर्ट्रेट भी क्लिक कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको SE ही कंसिडर करना चाहिए 2024 में। बाकी इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।